हरे कृष्णा, मैं राधा कृष्ण दास आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमलखी एकादशी कहते हैं। आमलखी यानी आंवला। आंवले को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। भगवान श्री विष्णु ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया तो उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी अस्तित्व में लाए। आंवले को भगवान श्री कृष्ण ने आदि वृक्ष के रूप में स्थापित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान है ऐसा माना गया है। एक समय की बात है, राजा मानधाता ने वशिष्ठ मुनि से कहा, हे मुनिवर, मुझ पर कृपा करें और मुझे किसी ऐसे व्रत के बारे में कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। इस पर मुनिवर बोले, हे राजन, मैं व्रतों में सबसे उत्तम व्रत आमलखी एकादशी के बारे में तुमसे वर्णन करता हूँ जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमलखी एकादशी कहते हैं। इसको करने से सभी पाप के नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत के करने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। वैदिश नाम का एक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी चारणवन आदरपूर्वक रहते थे। इस नगर में हमेशा वेद ध्वनि गूंजा करती थी। इस नगर में कोई भी पापी, दुराचारी एवं नास्तिक नहीं था। इस नगर में एक जयद्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था जो अत्यंत बुद्धिमान और धनी था। इस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र एवं कंजूस नहीं था। इस नगर के सभी व्यक्ति, सभी लोग भगवान श्री विष्णु की पूजा किया करते थे और बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी व्रत का पालन किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष के आमलखी एकादशी आई जिसे राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सभी ने हर्षपूर्वक पालन किया। उस दिन राजा अपने प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित कर धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्नों से धात्री की एवं आंवला के वृक्ष की पूजा की और उस दिन रात को सभी ने जागरण किया। उस दिन रात को एक मंदिर में के पास एक बहेलिया आया जो अत्यंत ही पापी और दुराचारी था, जो जीव हिंसा करके अपने कुटुंब का पालन किया करता था। वो अत्यंत भूख प्यास से व्याकुल था, इसीलिए उसने कुछ भोजन पाने की इच्छा से मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया। वहाँ पर बैठ के उसने भगवान विष्णु की कथा सुनी और एकादशी महात्मा को सुना। सभी लोग उस मंदिर में जागरण कर रहे थे। इस प्रकार वो रात्रि जागरण करते हुए सबकी बीत गई। प्रातःकाल सुबह उठकर सभी नगरवासी अपने घर को गए। ये बहेलिया भी अपने निवास को चला गया। वहाँ पे जाके इसने कुछ भोजन किया और फिर कुछ दिनों के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। वो अत्यंत पापी था क्योंकि उसने जीव हिंसा की थी, इसके कारण उसे नरक भोगना पड़ता। लेकिन एकादशी महात्म की कथा सुनने से और रात्रि को जागरण करने से उसका जन्म राजा विदुरथ के यहाँ हुआ। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पे वो चतुरंगिनी सेना सहित धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र गांव का संचालन करने लगा। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और कर्मवीर था। वो भगवान विष्णु का भक्त हुआ और दान देना उसका नित्य कर्म था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने वन में गए और देवयोग से वो रास्ता भटक गए। दिशा का ज्ञान ना होने के कारण वो थक कर एक वृक्ष के नीचे सो गए। कुछ देर पश्चात वहाँ पे कुछ पहाड़ी डाकू आए, जिन्होंने राजा को देखते ही मारो मारो चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े और कहने लगे कि इसने हमारे माता पिता तथा कुटुंबों का
को मारा है और हमें देश से निकाला है, इसे हमें इसके हमारे अपमान का दंड देना ही चाहिए। ऐसा कह के वो राजा वसुरथ की ओर बढ़ने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और वो अत्यंत सुंदरी थी और उन्होंने वस्त्र आभूषणों से अलंकृत थी। उनकी भिकुटी टेढ़ी थी और उनके आंखों से क्रोध की लपटें निकल रही थी, जैसे मानो कि साक्षात काल के रूप में वो प्रतीत हो रही थी। देखते ही देखते उन्होंने उन डाकुओं का मूल सर्वनाश कर दिया और सभी को मृत्यु के घाट उतार कर वो चली गई। राजा के नींद खुलने पर राजन ने देखा अपनी चारों ओर डाकुएं मृत पड़े हुए हैं। वो सोचने लगा कि इस वन में कौन मेरा हितेशी है जो इन डाकुओं को जिसने मारा है। ऐसा कहकर वो सोच ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त कौन तुम्हारी रक्षा कर सकता है। ऐसा सुनकर राजा वसुरथ भगवान विष्णु को स्मरण करके उन्हें प्रणाम किया और अपने राज्य को लौट गया और वो वहाँ पे राज्य में जाके वो सुखपूर्वक राज्य करने लगा और अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि राजा मानधाता से बोले, इस आमलखी व्रत का पालन जो निष्ठापूर्वक श्रद्धा से करता है उसे अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। आमलखी एकादशी के पहले दिन यानी दशमी के दिन रात्रि को एकादशी व्रत और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के प्रतिमा के समक्ष बैठकर हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करना चाहिए कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से आमलखी एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। भगवान मेरे व्रत को सफल करे और मुझे अपनी शरण में ले। भगवान की पूजा के पश्चात हमें आंवला के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पूजन सामग्री से आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर हमें ब्राह्मणों को भोजन और ध्यान देना चाहिए। इसके पश्चात हमें प्रायण करके जल और अन्न ग्रहण करने चाहिए। इस प्रकार भक्ति रूपी लता को सींचने में अत्यंत सहायक इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान नाम का जाप करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए और वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें इस बहुमूल्य मानव जीवन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।